हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज़ यू ऑल नो, अपने एसएएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने जो चैप्टर नंबर 7 है हमारा डिफेंस अकाउंट कोड का, डिटेल्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ डिफेंस परफॉर्मर ट्रांजेक्शन जो क्या है, स्टार्ट किया था, राइट। और दोस्तों इसका रूल नंबर 116 जो है, एमआरओ के रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो प्रोसेसेस थे, वो सभी अपनों ने क्या है डिस्कस करेंगे, राइट। एमआरओ की कितनी कॉपी बनती है, कौन सी कॉपी कहाँ जाएगी, ठीक है। और दोस्तों, एमआरओ रजिस्टर जो मेंटेन होगा, राइट। तो सारी दोस्तों जो जितनी भी बातें थी अपनों ने, वो सारी प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने डिस्कस करी थी, राइट। आज दोस्तों अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका, रेमिटेंसेज टू डिफेंस सर्विसेज फ्रॉम बैंक्स एंड ट्रेजरी, दैट इज चेक ड्रॉन्स ऑन बैंक्स एंड ट्रेजरी। तो दोस्तों, जो पहले तो बोल दिया कि एमआरओ, ठीक है, आपको कोई भी पैसा जमा करवाना है, डिफेंस सर्विसेज की रिसिप्ट जो है उसके बारे में क्या है बताया था प्रीवियस 116 नंबर पैरा में। अब दोस्तों, जो डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो पैसा हम पेमेंट हो रही है, ठीक है, चेक के द्वारा पेमेंट होगी, राइट, या कोई दोस्तों ई मैंडेट मतलब डिजिटल पेमेंट सर्विस है, या CMP के द्वारा जो पेमेंट होगी, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों क्या क्या प्रोसेसेस है पूरा डिफेंस सर्विसेज के अंदर, बैंक और ट्रेजरी से क्या क्या संबंध है, उसके बारे में क्या पूरा प्रोसेस इसके अंदर दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, 117 के में क्या बोला, व्हेन ए चेक इज ड्रॉन ई मैंडेट इशूड, ठीक है, जब भी दोस्तों कोई भी चेक ड्रॉ किया जाता है या कोई ई मैंडेट इशू किया जाता है, मतलब ये डिजिटल पेमेंट सर्विस है दोस्तों, ई मैंडेट, राइट, मतलब एक पेमेंट करने का माध्यम है, राइट। APM विल बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिट सेक्शन बाय क्रेडिटिंग द सस्पेंस हेड चेक्स एंड बिल्स एंड डेबिटिंग द रेलिवेंट एक्सपेंडिचर या सर्विस हेड, ठीक है। तो दोस्तों, जब भी कोई भी चेक इशू किया जाता है तो ऑडिट सेक्शन क्या करता है, एक पंचिंग मीडिया प्रिपेयर करता है ये सारे काम करके, राइट। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बी है Schedule 3 विल बी सेंट टू द अकाउंट सेक्शन वेयर द लिंकिंग ऑफ द पेड चेक विद द Schedule 3 और क्रेडिटेड एंड अनक्रेडिटेड आइटम्स विल बी डन बाय मैनुअल प्रोसेस। Schedule 3 को दोस्तों कहाँ भेजा जाएगा, अकाउंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। अकाउंट सेक्शन क्या करेगा दोस्तों, वहाँ पे लिंकिंग करेगा पेड चेक की Schedule 3 के साथ, ठीक है। अब दोस्तों आप बोलोगे कि सर अकाउंट सेक्शन के पास पेड चेक कहाँ से आ गए, ठीक है। तो दोस्तों वो बताएंगे अपने कि पेड चेक इनके पास कहाँ से आ गए, राइट। वैसे दोस्तों अपनों ने फोकल पॉइंट ब्रांचेस के अंदर भी अपनों ने पढ़ा था प्रीवियस जो चैप्टर नंबर 6 जो है, जो स्क्रॉल्स आते हैं, डेबिट स्क्रॉल क्रेडिट स्क्रॉल जो आते हैं, ठीक है, वो फोकल पॉइंट ब्रांचेस जो भेजती है, ठीक है, PCDA CDA को, तो वो दोस्तों क्या है पेड चेक और MRO, ठीक है, वो दोनों स्क्रॉल के साथ लगा के क्या है अकाउंट सेक्शन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसको दोस्तों क्या है, ये Schedule 3 के साथ वो मैच करेंगे, इसके अंदर देखेंगे कि भैया Schedule 3 के अंदर मान लो कि पेमेंट हुई है, राइट, वो कितनी अमाउंट इशू हुई है, ठीक है, वो क्रेडिट हो गई या नहीं हुई, ठीक है। तो इस प्रकार का मैनुअल प्रोसेस दोस्तों क्या अकाउंट सेक्शन के अंदर करना पड़ता है। तो Schedule 3 दोस्तों क्या है, शेड्यूल ऑफ मंथली ड्रॉइंग्स है, ठीक है, उसको Schedule 3 बोलते हैं और प्रिपेयर्ड बाय डी सेक्शन, ठीक है। अब दोस्तों इसके बारे में डिटेल से अपने चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी यूनिट है, कोई भी फॉर्मेशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, जो एक्सपेंडिचर को क्या है क्लेम करेगा ऑडिट सेक्शन से, ठीक है, कि किस पर्टिकुलर ऑडिट सेक्शन के अंदर मेरा काम होता है, मैं उसमें चला जाऊँगा मेरा क्लेम लेके, ठीक है, जो भी मेरा एक्सपेंडिचर का क्लेम है। उसके बाद दोस्तों क्या है, ऑडिट सेक्शन उसकी स्क्रूटिनी करता है, राइट, और दोस्तों वो क्या करता है पास कर देता है उसको, और DV लगा के क्या है दोस्तों आगे भेज देता है, ठीक है, पास कर दिया इन्होंने, ठीक है, और DV लगा के इसको दोस्तों क्या डिसबर्समेंट वाउचर, ठीक है, इसको आगे भेज देगा किसको, डी सेक्शन के लिए। डी सेक्शन का काम दोस्तों क्या है, चेक इशू करना, डिसबर्समेंट सेक्शन, राइट। अब दोस्तों ये क्या है, ऑडिट सेक्शन जो क्या है ये DP शीट बनाता है, ठीक है, मान लो एक दिन के अंदर सारे जितने भी इसने क्लेम पास किए, ठीक है, उनकी क्या है दोस्तों DP शीट बना देगा, ठीक है, डेली पेमेंट शीट इसको बोलते हैं। अब दोस्तों ये क्या फुल फॉर्म भी एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, डेली पेमेंट शीट बनाएगा जितने भी क्लेम इसने पास किए, ठीक है। और दोस्तों ये जो DP शीट है ये डी सेक्शन के लिए अथॉरिटी है चेक इशू करने के लिए, ठीक है, जितने क्लेम पास करे उन पर DV लगाएगा, ठीक है, DP शीट बना के डी सेक्शन को दे देगा, ये इसमें से देखता जाएगा और चेक इशू करता जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों डी सेक्शन ने क्या कर दिया, चेक इशू कर दिया, राइट। चेक इशू करने का मतलब क्या है, डी सेक्शन ने पेमेंट कर दी दोस्तों चेक के द्वारा, ई मैंडेट के द्वारा, या जो कैश मैनेजमेंट प्रोडक्ट है उसके द्वारा, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, मान लो चेक का एग्जांपल ले लो इसके अंदर, क्योंकि सारी बातें चेक से दी गई है, ठीक है, चेक क्या किया, इंडिविजुअल को दे दिया, ठीक है। इंडिविजुअल क्या है दोस्तों, बैंक जाएगा चेक को क्लियर करवाने के लिए, ठीक है, इंडिविजुअल क्या है दोस्तों, बैंक जाएगा चेक को क्लियर करवाने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों मान लो उसके अकाउंट में पेमेंट आ गया, फिर बैंक क्या करेगा, चेक क्लियर हुआ है नहीं हुआ, ठीक है, वो मान लो इंडिविजुअल बैंक के पास लेके चला गया, राइट। इसके बाद दोस्तों बैंक क्या काम करता है, बैंक डेली स्क्रॉल बनाता है, ठीक है, इसके अंदर क्या है पेड चेक जो दोस्तों कितना पैसा उसने दिया है, चेक क्लियर हुए हैं उसकी डिटेल उसमें लगा के दे देगा डेली स्क्रॉल में, ठीक है। इसको दोस्तों डेबिट स्क्रॉल भी आप बोल सकते हो,
राइट ये दोस्तों फोकल पॉइंट ब्रांचेस को देगा। फोकल पॉइंट ब्रांचेस क्या करेगी, मेन स्क्रॉल बनाएगी जिसके अंदर क्या है पेड चेक अटैच होंगे, ठीक है, या इसको डेबिट स्क्रॉल बोल दो। इसको दोस्तों पीसीडीए सीडीए के अकाउंट सेक्शन में भेज देगी, ठीक है। अब दोस्तों एक तो ये प्रोसेस हो गया कि अकाउंट सेक्शन के पास यहाँ पे आ गई ये चीज़, ठीक है। अब दोस्तों एक डी सेक्शन जो है जिसने चेक इशू किया था वो शेड्यूल थ्री बनाता है, मतलब पूरे मंथ के अंदर जितनी भी ड्रॉइंग्स हुई है दोस्तों उसकी सबकी डिटेल जो क्या है उन सब की डिटेल जो क्या है शेड्यूल थ्री में दे देगा, ठीक है। अब दोस्तों सवाल ऐसे पूछे जा सकता है कि डीपी शीट पीसीडी सीडीए का कौन सा सेक्शन बनाता है, तो ऑडिट सेक्शन बनाएगा। ये पूछ लेगा कि शेड्यूल थ्री जो है पीसीडी सीडीए का कौन सा सेक्शन बनाता है, डी सेक्शन बनाता है, ये सवाल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है ऑफिस मैनुअल पार्ट टू के अंदर भी क्या है दी गई है हमें, ठीक है। तो वहाँ जाएंगे तो दोस्तों एक बार और रिवाइज हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो शेड्यूल थ्री है दोस्तों, शेड्यूल ऑफ मंथली ड्रॉइंग्स है, ठीक है। इसमें दोस्तों शेड्यूल थ्री के अंदर वो क्या करते हैं ये डी सेक्शन वाले जो हैं ये चेक का नंबर भी लिख देते हैं ताकि अकाउंट वाले देख सकें, ठीक है। इसने दोस्तों भेज दिया यहाँ पे जो शेड्यूल थ्री बना के इसके अंदर दोस्तों चेक का नंबर, ठीक है, उसके ऊपर चेक का नंबर भी उसके अंदर लिख दिया, अमाउंट लिख दी, ठीक है। शेड्यूल थ्री के अंदर दोस्तों क्या है सारा वो डेटा इसको अकाउंट सेक्शन को भेज देता है। एक दोस्तों डेटा इसके पास यहाँ से आ गया पेमेंट का, एक दोस्तों डेटा इसके पास यहाँ से आ गया। अब दोस्तों जो अकाउंट सेक्शन है दोस्तों वो फाइनली क्या है उसको क्या है कंपाइल करेगा सब चीज़ों को, राइट। तो मतलब यहाँ पे देख लेगा कौन सी पेमेंट हुई है, ठीक है, कौन सी पेमेंट नहीं हुई, अगर चेक क्लियर नहीं हुआ तो क्या हुआ, ठीक है। तो वो आगे इसमें पूरा प्रोसेस बताया गया है, तो ये दोस्तों इसके अंदर क्या है आगे पूरा प्रोसेस बताया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों कई प्रोसेस क्या साइमल्टेनियसली होते रहते हैं, ठीक है, मतलब ये डीपी शीट बनती रहेगी, ये पेमेंट होता रहेगा, चेक इशू होते रहेंगे, ठीक है, शेड्यूल थ्री बनते रहेंगे, ठीक है। अकाउंट सेक्शन के अंदर दोस्तों क्या है ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। डेली अकाउंटिंग होती रहती है, मंथली डेटा भी बनता है, राइट। जैसे शेड्यूल ऑफ मंथली ड्रॉइंग्स क्या है शेड्यूल थ्री है, ठीक है, मेन स्क्रॉल हुआ जैसे, ठीक है, वो डेली बनेगा। डीएमएस जैसे डेट वाइज मंथली स्टेटमेंट दोस्तों वो मंथली बनेगी। एमएसएस बनता है दोस्तों मंथली सेटलमेंट स्टेटमेंट, ठीक है, ये मंथली बनेगा, ठीक है। चीज़ें डेली भी होती है दोस्तों, मंथली भी होती है, स्क्रॉल तैयार होकर होते रहते हैं, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस जो क्या है हमारे डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल जो है हमारा पीसीडी सीडी जो है उसके सब सेक्शंस के अंदर चलती रहती है सारी चीज़ें, राइट। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं, टू फैसिलिटेट लिंकिंग ऑफ पेड चेक्स विद शेड्यूल थ्री इन द अकाउंट सेक्शन, ठीक है। दोस्तों अकाउंट सेक्शन के अंदर पेड चेक आ जाएंगे, ठीक है, जो भी मैंने प्रोसेस बताया था बैंक से, राइट। और शेड्यूल थ्री दोस्तों इसके पास क्या डी सेक्शन में भेज दिया, डी सेक्शन ने भेज दिया, राइट। तो क्या करते हैं दोस्तों, ए डिस्टिंग्विशिंग मार्क ऑफ द सेक्शन इशूंग द चेक विल बी मेड ऑन द चेक बाय द डिसबर्समेंट सेक्शन एट द टाइम ऑफ इशू, ठीक है। तो दोस्तों जिस सेक्शन के रिगार्डिंग वो बिल था, ठीक है, उसका क्या है एक छोटा सा वहाँ पे डिसबर्समेंट सेक्शन क्या करता है दोस्तों उसके ऊपर लिख देता है, ठीक है। डिस्टिंग्विशिंग मार्क ऑफ द सेक्शन इशूंग द चेक विल बी मेड ऑन द चेक बाय द डिसबर्समेंट सेक्शन एट द टाइम ऑफ इट्स इशू, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या है दोस्तों थोड़ा सा वो लिख देता है कि किस सेक्शन के रिगार्डिंग क्या है ये चेक है, राइट। डी नंबर देखिए तो शेड्यूल थ्री रिसीव्ड इन द अकाउंट सेक्शन फ्रॉम डी सेक्शन, शेड्यूल थ्री दोस्तों क्या है अकाउंट सेक्शन के अंदर आया है कहाँ से, डी सेक्शन से, विल बी रिकॉर्डेड सेक्शन वाइज ऑफिस वाइज एंड डेट वाइज, ठीक है। तो दोस्तों उसको क्या है अकाउंट सेक्शन वाले क्या करेंगे शेड्यूल थ्री को सेक्शन वाइज ऑफिस वाइज डेट वाइज क्या है उसकी स्क्रूटनी अलग अलग से कर लेंगे, ठीक है। विल फॉर्म द बेसिस फॉर लिंकिंग विद द पेड चेक्स लिस्ट ऑफ क्रेडिटेड एंड अनक्रेडिटेड आइटम्स, ठीक है। दोस्तों ये जब इनके पास जब चेक आएगा तब क्या है ये इसका बेस बनेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें कि भैया कौन से सेक्शन कितनी पेमेंट करी है, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें उसमें होगी, राइट। ये सुनो दोबारा देखिए दोस्तों, शेड्यूल थ्री रिसीव्ड इन द अकाउंट सेक्शन फ्रॉम डी सेक्शन विल बी रिकॉर्डेड सेक्शन वाइज ऑफिस वाइज एंड डेट वाइज विल फॉर्म द बेसिस फॉर लिंकिंग विद द पेड चेक, ठीक है। ये दोस्तों बेस बनेगा पेड चेक के साथ लिंक करने के लिए अकाउंट सेक्शन के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या पेड चेक लिस्ट ऑफ क्रेडिटेड अनक्रेडिटेड आइटम्स अलॉन्ग विद द डेबिट स्क्रॉल शेड्यूल ऑफ पेमेंट्स विल बी रिसीव्ड इन द अकाउंट सेक्शन, ठीक है। डी सेक्शन की डी सेक्शन ने क्या है वो भेज दिया शेड्यूल थ्री, उसकी बात होगी। अब दोस्तों पेड चेक जो क्रेडिटेड अनक्रेडिटेड आइटम्स हैं डेबिट स्क्रॉल शेड्यूल के साथ पेमेंट के वो अकाउंट सेक्शन में आ जाएंगे, डेली आएंगे दोस्तों, जैसे डेली मेन स्क्रॉल में बताया था बाई मंथली फ्रॉम द बैंक, ठीक है, मंथली दोस्तों बोल दो इसको, मतलब डेट वाइज मंथली स्टेटमेंट, ठीक है, आते रहते हैं ये स्क्रॉल जो क्या है बैंकों से, राइट। वांटिंग पेड चेक्स डिटेल्स ऑफ क्रेडिटेड एंड अनक्रेडिटेड आइटम्स विल बी कॉल्ड फॉर फ्रॉम द फोकल पॉइंट ब्रांच कंसर्न या डी सेक्शन। अगर दोस्तों अकाउंट सेक्शन को किसी भी प्रकार का पेड चेक चाहिए या कोई डिटेल्स चाहिए क्रेडिट डेबिट की तो वो क्या है फोकल पॉइंट ब्रांच या डी सेक्शन से ये लेते रहते हैं, राइट। ये सुनो आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इन केसेस वेयर द चेक्स आर लॉस्ट इन ट्रांजिट, अगर दोस्तों चेक जो क्या है वो लॉस्ट हो गया ट्रांजिट से, ठीक है, मान लो डीलिंग ब्रांच भेज रही थी वहाँ से लॉस्ट हो गया, फोकल पॉइंट ब्रांच से हो गया, ए सर्टिफिकेट इन लियू विल बी फर्निश्ड बाय द डीलिंग ब्रांच फोकल पॉइंट ब्रांच इन द फॉर्मेट एनेक्सी, ठीक है। मान लो चेक लॉस्ट हो गया तो वो क्या करेंगे, चेक तो लॉस्ट हो ही गया, मान लो उसकी पेमेंट हो गई, ठीक है, तो वो क्या कर देंगे दोस्तों ये सर्टिफिकेट क्या है लगा के दे देंगे उस चेक के बदले में,
ठीक है। इसके इन ल्यू में क्या कर देंगे दोस्तों, इन ल्यू का मतलब क्या है, चेक नहीं तो ये दे दिया, ठीक है। वही सेम ही काम करेगा, ये चेक का काम करेगा, सर्टिफिकेट इन ल्यू ऑफ द लॉस्ट मिसप्लेस्ड पेड चेक। इसके ऊपर दोस्तों जो चेक की सारी डिटेल थी वो क्या है, इसके ऊपर वो लिख देंगे, सर्टिफाइड दैट्स ए सम ऑफ रुपीज़ इतना इतना वाज पेड टू नेम ऑफ द पार्टी अंडर द हेड दिस दिस बाय डेबिट टू द असाइनमेंट ड्रॉइंग अकाउंट मेंटेन्ड इन द नेम ऑफ, किसके नाम पे अकाउंट है, ऑन बिहाफ ऑफ एमओडी एज पर चेक नंबर, उसकी तारीख दोस्तों ब्रांच, द अमाउंट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द स्क्रॉल डेटेड, इस स्क्रॉल के अंदर दोस्तों क्या है, इसको ऐड कर दिया, उसका सीरियल नंबर इतना है, तारीख इतनी है, एजेंट या ऑथोराइज ऑफिसर, डेट ब्रांच और फोकल पॉइंट ब्रांच की, ये मतलब पूरा चेक अगर इशू कहीं लॉस्ट हो गया तो ये क्या है उसकी जगह वो सर्टिफिकेट क्या है दोस्तों, फोकल पॉइंट ब्रांचेज क्या है दे देगी अकाउंट सेक्शन को, राइट। ये चीज़ समझ में आई दोस्तों, आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों, एफ नंबर पे क्या, विद द हेल्प ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग मार्क मेंशनड एट सीरियल नंबर सी, ठीक है। तो दोस्तों सी नंबर के अंदर उन्होंने पढ़ा था कि डिस्टिंग्विश सेक्शन का जो है मार्क दे देते हैं, ठीक है। द पेड चेक विल बी सॉर्टेड आउट सेक्शन वाइज, पेड सेक्शन को, पेड चेक को भी क्या करते हैं दोस्तों, वो सेक्शन वाइज क्या है सॉर्टेड कर लेते हैं, ठीक है, ऑफिस वाइज डेट वाइज उसको सॉर्ट कर लेते हैं, एंड पेड विद द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इन द शेड्यूल थ्री, ठीक है। तो दोस्तों इधर शेड्यूल थ्री रख लेंगे, यहाँ पे वो जो चेक आएगा उसकी एंट्री देख लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट होगी तो ऑनलाइन भी तो स्क्रॉल डाउनलोड होगा वो, ठीक है, ऑनलाइन स्क्रॉल आएगा, ठीक है। तो उसके क्या है दोस्तों, वहाँ से वो चेक करते रहेंगे, तो इसमें कोई चक्कर नहीं है कि भी ये चेक के केस में ही होगा, ठीक है। दोस्तों अकाउंटिंग हो रही है, उसका प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, अपने उस पूरे प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जी नंबर देखिए दोस्तों, अकाउंट सेक्शन विल प्रिपेयर पी एम वंस इन ए मंथ, ठीक है। अकाउंट सेक्शन दोस्तों क्या है, पंचिंग मीडिया बनाएगा मंथ के अंदर, और रिसिप्ट ऑफ द प्रिंटेड आरडीआर कंपाइलेशन फ्रॉम द ईडीपी सेंटर, ठीक है। दोस्तों पूरे मंथ का जो कंपाइलेशन होगा, ठीक है, जो आरडीआर का कंपाइलेशन होगा जो ईडीपी सेंटर बनाएगा, द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड डेबिटेड टू द सस्पेंस हेड चेक्स एंड बिल्स, तो जितना भी अमाउंट दोस्तों सस्पेंस हेड चेक्स एंड बिल्स का जो है, ठीक है, उसके अंदर कितना क्रेडिट है कितना डेबिट है, ठीक है, विल बी रिकनसाइल्ड विद द विद दोज अपियरिंग द शेड्यूल थ्री, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या करेगा, शेड्यूल थ्री से क्या है उस चीज़ को मैच करेगा, ठीक है, जब इसके पास क्या है ईडीपी सेंटर का क्या है कंपाइलेशन जब आ जाएगा, राइट। आई में देखिए दोस्तों द चेक शैल बी पेबल एट एनी टाइम विद इन ए पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स, दोस्तों तीन मंथ के अंदर अंदर क्या है, मान लो डी सेक्शन ने चेक काट के दे दिया किसी इंडिविजुअल को, ठीक है, तो अब दोस्तों जितनी उस पर तारीख होगी उसके तीन महीने के अंदर अंदर क्या है उसको क्लियर करवाना पड़ेगा चेक को, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। दस ए चेक बेयरिंग 20th Jan इज पेबल एट एनी टाइम अप टू 19 अप्रैल, दोस्तों 20 जनवरी को अगर आपने चेक काटा है तो 19 अप्रैल से पहले पहले क्या है उसको एनकैश आप करवा लीजिए, राइट। ये सुनो, आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, व्हेन चेक्स रिमेन अनलिंक्ड इन शेड्यूल थ्री फॉर मोर देन 90 डेज, अगर दोस्तों कोई भी चेक आ गया, ठीक है, शेड्यूल थ्री के अंदर उसकी एंट्री तो है ही, कौन सा चेक गया हुआ है पेमेंट होने के लिए, ठीक है, उसको 90 दिन से ज़्यादा अगर मान लो शेड्यूल थ्री के अंदर कोई पेंडिंग पड़ा है चेक, तो वो क्या होगा, द प्रोग्रेसिव नंबर ऑफ अनलिंक्ड चेक्स हैविंग एक्सपायर्ड वैलिडिटी पीरियड, ठीक है। तो दोस्तों वो क्या है, उसके बाद के 90 दिन के बाद के जितने भी चेक हैं जो अनलिंक्ड है, ठीक है, जो मतलब जो आई नहीं है अकाउंट सेक्शन के पास, पेमेंट हुई है नहीं हुई अकाउंट सेक्शन को नहीं पता, विल बी एक्सट्रैक्टेड बाय द अकाउंट सेक्शन एंड सेंट टू द कंसर्न्ड एफपीबी बाय 10th ऑफ द मंथ, उनको क्या है दोस्तों अकाउंट सेक्शन मंगवाता है, ठीक है, और दोस्तों एंड सेंट टू द कंसर्न्ड एफपीबी बाय 10th ऑफ द मार्च, ठीक है। दोस्तों क्या है, अकाउंट सेक्शन क्या करता है, उनको एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, और दोस्तों फोकल पॉइंट ब्रांच को क्या है 10वीं तारीख तक क्या है भेजा जाता है, राइट। और दोस्तों इसके अंदर फोकल पॉइंट ब्रांच क्या करेगा, क्या भेजेगा कि भैया ये चेक जो क्या हैं हमारे पास नहीं आए हैं, हमारे शेड्यूल थ्री के अंदर इनकी एंट्री है, ठीक है, अगर आपके पास हैं तो वो क्या है हमें भेज दीजिए, ठीक है। अगर दोस्तों चेक हो गया, मान लो पेमेंट हो गया, ठीक है, एनएक्सी वाला सर्टिफिकेट देंगे, वो चेक हो गया वह पेमेंट हो गई तो, ठीक है, तो दोस्तों फोकल पॉइंट ब्रांच क्या करेगी, जैसे अपने उन्होंने पढ़ा था वो फॉर्मेट क्या है लगा के दे देगी अगर उनके पास चेक मिसप्लेस हो गया होगा तो, राइट। ये देखिए दोस्तों, विद रिस्पेक्ट टू द लिस्ट ऑफ अनलिंक्ड चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम द अकाउंट सेक्शन, द ऑडिट सेक्शन शुड आस्क द पेई टू ईदर रिटर्न द टाइम एक्सपायर्ड चेक और एक्सप्लेन द कॉजेज फॉर इट्स नॉन एनकैशमेंट, ठीक है। दोस्तों जो भी शेड्यूल थ्री के अंदर एंट्री हो गई मान लो इनकी, ठीक है, जो भी पेमेंट हुई है, ये सुनो, मतलब जितने चेक इशू हुए हैं, तो लास्ट में क्या है जो अनलिंक्ड चेक्स है उसकी डिटेल अकाउंट सेक्शन क्या है ऑडिट सेक्शन से मांगता है, ठीक है। तो ऑडिट सेक्शन क्या करता है दोस्तों, जो पेई है, ठीक है, जिसने पेमेंट करी है मान लो बैंक हो गया, टू ईदर रिटर्न द टाइम एक्सपायर्ड चेक और एक्सप्लेन द कॉजेज फॉर इट्स नॉन एनकैशमेंट, ठीक है। तो दोस्तों टाइम एक्सपायर्ड चेक जो है वो कह देगा कि भाई हमें वापस दे दो, या अगर वो एनकैश नहीं हुए हैं तो उसका रीज़न भी क्या है हमें बताओ, राइट। तो दोस्तों कुल मिला के जे तक जो पॉइंट है इसके अंदर पूरा जो पेमेंट हो गई मान लो चेक इशू हो गया तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या ऑडिट सेक्शन, ठीक है, अकाउंट सेक्शन, ठीक है, फोकल पॉइंट ब्रांच, इनसे क्या आपस में तालमेल होगा उसके बारे में क्या है सारी बातें बताई गई हैं, राइट। अगला देखिए दोस्तों, एडजस्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एडवाइस पेमेंट्स थ्रू आरबीआई एसबीआई,
एडजस्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एडवाइस पेमेंट्स थ्रू आरबीआई एसबीआई। अब दोस्तों पहले चेक बोल दिया, अब क्या है ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक एडवाइस जो क्या है ऑनलाइन पेमेंट की ये बात कर रहा है, ठीक है। द मेंटेनेंस ऑफ स्क्रोल्स डीएमएस डेट वाइज मंथली स्टेटमेंट मंथली सेटलमेंट स्टेटमेंट्स एंड रिकनसिलिएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ ऑल ई ट्रांजेक्शंस विल बी मेड इन द मैनर प्रेस्क्राइब फॉर एफपीबी, ठीक है। दोस्तों फोकल पॉइंट ब्रांच के लिए जो हमने चीज़ें देखी थी, ठीक है, सारा जो प्रोसेस देखा था दोस्तों मेन तो वही था, ठीक है। डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट के अंदर कैसे एडजस्टमेंट होता है वो जो अपनों ने प्रोसेस देखा था, डीलिंग ब्रांचेस थी, फिर फोकल पॉइंट ब्रांच को भेजा, डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल को भेजा, ठीक है। इधर एसबीआई जीएडी मुंबई था, यहाँ पे दोस्तों आरबीआई सीएस नागपुर था, ठीक है। डेली स्क्रोल डेली आते हैं, मेन स्क्रोल बनता है, मेन स्क्रोल डेली आता है, डेट वाइज मंथली स्टेटमेंट आती है, ठीक है। एक कॉपी दोस्तों यहाँ पर भी जाती है, ठीक है। इवेंचुअल सेटलमेंट होता रहता है, एमएसएस क्रिएट करते हैं, डीएससी के पास जाएगा, वेरीफाइड डीएमएस आएगा, आरबीआई दोस्तों भेजेगा सीएस नागपुर डीएससी के पास, यहाँ से दोस्तों वेरीफाइड एमएसएस आएगा, ठीक है। तो मेन प्रोसेस दोस्तों वही था, ठीक है, आपस में कैसे इंटरलिंक्ड होते हैं, राइट। तो ये बोल दिया कि अगर ई पेमेंट करते हो तो वैसी वैसी बातें ही क्या है ऐसी होती रहेगी, राइट। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एडजस्टमेंट्स ऑफ ई पेमेंट्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। तो दोस्तों ट्रांजेक्शन राउटेड थ्रू दीज बैंक्स विल बी एडजस्टेड इन द डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट थ्रू आरबीआई एसबीआई। तो दोस्तों डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट के अंदर कोई भी हलचल होगी, कोई भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, ठीक है, कोई भी एडजस्टमेंट होगी तो वो आरबीआई और एसबीआई के थ्रू होगी, ठीक है। मान लो जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है, ऑथोराइज प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वहाँ से कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, या कोई अदर दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वहाँ से कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो वो इनके थ्रू राउटेड होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ट्रांजेक्शन्स ओरिजिनेटिंग इन द बुक्स ऑफ रेलवे पोस्ट एंड एमईए। ट्रांजेक्शन्स दोस्तों किसके बुक्स में ओरिजिनेट हो रही है, रेलवे के, पोस्ट के, और दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है, वो भी किसके केस के अंदर, इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवार्ड लंडन अकाउंट करंट वॉशिंगटन और दोस्तों अदर एम्बेसीज अकाउंट, ठीक है, मतलब एम्बेसीज अकाउंट की, मतलब फॉरन ट्रांजेक्शन की ये बात कर रहे हैं। ड्यू फॉर फाइनल एडजस्टमेंट इन द डिफेंस अकाउंट्स, राइट, मतलब ओरिजिनेट तो यहाँ हो रही है लेकिन फाइनल एडजस्टमेंट कहाँ होगा, डिफेंस के अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, कुछ काम जो क्या है ये लोग करते हैं, जैसे रेलवे ने किया, पोस्ट ने किया, एमईए ने किया, ठीक, काम वो कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों डिफेंस के लिए काम किया उन्होंने, ठीक है। तो दोस्तों डिफेंस अकाउंट्स अल्टीमेटली प्रभावित होगा उस चीज़ से, ठीक है, एक बार टेम्परेरी रूप से उन्होंने ट्रांजेक्शन कर दी, अल्टीमेटली तो डिफेंस का अकाउंट से तो इफेक्ट होगा उससे, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है, सॉरी, ये जो डिपार्टमेंट जो है डिफेंस के साथ दोस्तों क्या है सेटलमेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, ये हमने दोस्तों पैरा नंबर 19 जो है अकाउंट कोड का उसके अंदर पढ़ा था। कुछ डिपार्टमेंट दोस्तों क्या है वो सेटलमेंट अकाउंट के साथ काम करते हैं, बाकी दोस्तों जो भी मिनिस्ट्री है या डिपार्टमेंट है, कोई स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो दोस्तों कैश बेसिस पे क्या है ट्रांजेक्शन करता है। कैश बेसिस का मतलब क्या है दोस्तों, चेक इशू कर दिया, डिमांड ड्राफ्ट कर दिया, राइट, इनके साथ दोस्तों क्या है हमारे सेटलमेंट अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों एमआरओ पेड चेक की बात नहीं होगी, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये कैश बेसिस के इंस्ट्रूमेंट हैं, राइट। तो इसके लिए दोस्तों आगे जो इस चैप्टर में जैसे आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे एमआरओ और पेड चेक की बातें होगी, ठीक है, जिन मिनिस्ट्रीज़ के साथ हमारे इंटर गवर्नमेंटल जो ट्रांसफ़र हैं, इंटर गवर्नमेंटल दोस्तों जो एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है, जो सेटलमेंट अकाउंट के जरिए नहीं होगी, वहाँ पे एमआरओ और पेड चेक की बात होगी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या है एडजस्टमेंट की बात होगी सेटलमेंट अकाउंट्स की, राइट। तो 120 के ए में देखते दोस्तों, वाउचर सेंड अकाउंट्स एक्सेट्रा विल बी रिसीव्ड इन अकाउंट सेक्शन पीरियोडिकली फ्रॉम द फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट्स ऑफिसर रेलवे। दोस्तों जो भी वाउचर्स हैं, जो भी अकाउंट्स हैं, वो पीरियोडिकली रूप से क्या है अकाउंट सेक्शन के अंदर आते रहते हैं, कहाँ से, एफ ए एंड सी ई ओ ऑफ रेलवे, पोस्ट का दोस्तों डायरेक्टर भेजता रहता है, ठीक है, या पोस्ट ऑफिसेस के अंदर, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के कौन से दोस्तों ट्रांजेक्शन्स, जो डिफेंस पेंशन पेड बाय द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस दोस्तों जो डिफेंस पेंशन पे करता है, ठीक है। तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स दोस्तों डिफेंस से तो रिलेटेड हैं, ठीक है। मान लो डिफेंस पेंशन हो गई, किसी को दी है तो पोस्ट ऑफिस ने, तो सारे अल्टीमेटली दोस्तों ये सारे ट्रांजेक्शन्स तो क्या है डिफेंस का अकाउंट प्रभावित होगा इससे, क्योंकि दोस्तों ये डिफेंस के बजट में क्या है दोस्तों ये इंक्लूडेड है हमारे डिफेंस पेंशन, ठीक है। वाइल द अदर अकाउंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द पीओ पे अकाउंट ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द लंडन वाशिंगटन ट्रांजेक्शन्स, द वाउचर्स विल बी रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द सप्लाई विंग आईएसएम, ठीक है। तो एमईए के केस में दोस्तों क्या है, ये जो इनके लंदन और वाशिंगटन की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो डायरेक्टली के दोस्तों क्या सप्लाई विंग से क्या है वहाँ से रिसीव होते हैं, और इनके लिए दोस्तों क्या है इनका एफ ए और सी ओ भेजता है रेलवे का, पोस्ट का दोस्तों डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स पोस्ट ऑफिस, ठीक है, और इनके लिए दोस्तों क्या है वहाँ से सप्लाई विंग से डायरेक्ट इनके पास आ जाएंगे, ठीक। कुल मिला के बात यह है दोस्तों, अगर इस इन डिपार्टमेंट्स में कोई डिफेंस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होती है जिसको अल्टीमेटली दोस्तों क्या डिफेंस अकाउंट्स के अंदर क्या सेटल होना है, डिफेंस अकाउंट्स के अंदर सेटल होना है, ठीक है, तो वो उसका प्रोसेस जो क्या है इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। ओरिजिनेट दोस्तों उनकी बुक्स में होगी, सेटलमेंट अकाउंट के जरिए क्या है हमारा डिफेंस अकाउंट्स उनको इफेक्ट करेगा, राइट। आगे चलिए दोस्तों,
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दीज विल बी एंटर्ड इन एन इनवर्ड सेटलमेंट अकाउंट रजिस्टर। क्या दोस्तों, जो वाउचर्स आए हैं, जो अकाउंट्स आए हैं, ठीक है, उनको क्या है दोस्तों, इनवर्ड सेटलमेंट अकाउंट रजिस्टर के अंदर क्या है, एंटर कर लिया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसका याद रखना है आपको, इनवर्ड कौन सी होगी, जो ओरिजिनेट दूसरे डिपार्टमेंट में हुई है, जो सेटलमेंट अकाउंट वाले हैं हमारे, रेलवे है, पोस्ट है, ठीक है, एमईए है, जनरेट उनके अंदर हुई है ओरिजिनेट, लेकिन फाइनल किसके अंदर, डिफेंस अकाउंट्स के अंदर उनको सेटल होना है, तो इनवर्ड सेटलमेंट अकाउंट रजिस्टर क्या है दोस्तों, मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, किसके लिए, इन रिस्पेक्ट टू द रेलवे, पोस्ट अकाउंट्स, ऑफिसर कंसर्न एंड पीएओ, एमईए, शोइंग द सीरियल नंबर ऑफ एडवाइसेस, द नंबर ऑफ एडवाइसेस, द डिस्ट्रिक्टिव नंबर ऑफ शेड्यूल्स अकम्पनिंग द पर्टिकुलर एडवाइस एंड द टोटल अमाउंट ऑफ एडवाइस फॉर क्रेडिट एंड डेबिट आइटम्स सेपरेटली। ठीक है, तो दोस्तों ये रजिस्टर मेंटेन कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों कौन सी है, मान लो रेलवे की बात करूँ मैं, तो आर्मी के लिए दोस्तों, और मान लो रेलवे ने कोई काम कर दिया, ठीक है, मान लो दोस्तों यूनिट्स ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, तो रेलवे दोस्तों इसमें हेल्प कर दिया, और रेलवे ने दोस्तों मान लो कोई हेल्प कर दिया, ठीक है, तो उस केस के अंदर ट्रांजेक्शन तो वहाँ पे हुई है, ठीक है, लेकिन दोस्तों उनको फाइनली सेटलमेंट किस में होना है, डिफेंस अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, एक दोस्तों इसके अंदर एडवाइसेस की बात आएगी, एडवाइसेस का मतलब क्या है दोस्तों, एक फॉर्मेट है जिससे क्या है, वो ट्रांजेक्शन जिसके ऊपर लिख के उस फॉर्मेट के अंदर पर्टिकुलर दी जाती है, उसको एडवाइस बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शोइंग द सीरियल नंबर ऑफ एडवाइसेस, ठीक है, तो दोस्तों जो रजिस्टर जो मेंटेन होगा, वो सारे जो अकाउंट जो वाउचर आएंगे उन सबको क्या इस रजिस्टर में क्या मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों उसके अंदर क्या क्या लिखा जाएगा, सीरियल नंबर ऑफ एडवाइसेस, ठीक है, एडवाइसेस आई उनके सीरियल नंबर, कितनी एडवाइसेस आपके पास आई हैं, ठीक है, कितने शेड्यूल दोस्तों को आपके पास आए हैं, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एडवाइस फॉर क्रेडिट एंड डेबिट आइटम सेपरेटली, और दोस्तों कितनी अमाउंट की एडवाइस आई है, मान लो 5 लाख रुपए का खर्चा क्या है दोस्तों रेलवे ने कर दिया, ठीक है, तो दोस्तों 5 लाख रुपए का सेटलमेंट होगा, ठीक है, तो उसकी एडवाइस जितनी आई है, ठीक है, वो क्रेडिट करनी है, कितनी डेबिट करनी है, तो ये सारा तामझाम जो क्या है हमें करना पड़ेगा। राइट, डी नंबर देखिए दोस्तों, द अकाउंट सेक्शंस विल शेड्यूल द रेलेवेंट आइटम्स इन डुप्लीकेट टू द ऑडिट सेक्शन कंसर्न्ड, दी शेड्यूल्स शुड बी एडजस्टेड बाय द ऑडिट सेक्शन विद इन 3 डेज ऑफ द रिसिप्ट। ठीक है, अकाउंट सेक्शन के पास दोस्तों क्या है, ये सारे वाउचर्स आ गए, ठीक है, अकाउंट्स आ गए, जैसे कि ए नंबर में बोला हुआ था, वो क्या करता है दोस्तों, इसका डुप्लीकेट बना के ऑडिट सेक्शन को भेज देगा। ठीक है, और ऑडिट सेक्शन को दोस्तों 3 दिन के अंदर अंदर इन शेड्यूल्स पे क्या है, एक्शन लेना उसको पड़ेगा। ठीक है, एडजस्ट करना पड़ेगा। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, ई नंबर में है, अब क्या किया था दोस्तों, अकाउंट सेक्शन ने क्या है, डुप्लीकेट के अंदर क्या है, ऑडिट सेक्शन को वो सारे भेज दिए अकाउंट्स, ठीक है, उसको पंच मीडिया बनाने के लिए। राइट, दोस्तों ऑडिट सेक्शन क्या करेगा, ऑडिट सेक्शंस आफ्टर ऑडिट प्रिपेयर है पीएम, ठीक है, ऑडिट करेगा दोस्तों, पंचिंग मीडिया प्रिपेयर करेगा, और कैटेगरी कोड 74 विल बी प्रीफिक्स्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम पीए ऑफ एमईए टू डिस्टिंक्टली डिस्टिंग्विश सच ट्रांजेक्शंस फ्रॉम द कंपाइलेशन। ठीक है, तो दोस्तों कैटेगरी कोड जो 74 है, ठीक है, इसको प्रीफिक्स करेगा जब पंचिंग मीडिया वो बनाएगा, ठीक है, कौन सी ट्रांजेक्शंस के लिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की है। ठीक है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ लंडन अकाउंट्स ए सेपरेट कोड हेड, दोस्तों लंडन अकाउंट के केस में क्या है दोस्तों, सेपरेट कोड हेड जो है 00020 84 हैज़ बीन अलॉटेड इन पैम्पलेट ऑफ RDR। ठीक है, तो उसके अंदर इसको मतलब कोड की बात बता दी कि MEA की होगी 74 होगा। ठीक है, अगर दोस्तों लंदन से होगी पर्टिकुलर, तो ये कोड हेड ऑपरेट होगा। राइट, एफ नंबर देखिए दोस्तों, द पीएम विल बी सेंट एज यूजुअल बाय द ऑडिट सेक्शन टू द EDP सेंटर। ठीक है, तो ऑडिट सेक्शन क्या करता है दोस्तों, EDP सेंटर को ये क्या है, पीएम भेज देगा, एंड द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द ID शेड्यूल्स। ठीक है, तो इंटर डिपार्टमेंटल शेड्यूल की दोस्तों डुप्लीकेट कॉपी है, विल बी रिटर्न टू द अकाउंट सेक्शन शोइंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द एडजस्टमेंट। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, अकाउंट सेक्शन को वापस वो डुप्लीकेट कॉपी जो की थी इसने ली थी, पंचिंग मीडिया बना दिया, पंचिंग मीडिया बना के EDP सेंटर को भेज दिया कंपाइलेशन के लिए। ठीक है, वहाँ से क्या है दोस्तों, डुप्लीकेट कॉपी वापस अकाउंट सेक्शन को भेज देगा। ठीक है, द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द शेड्यूल्स रिसीव्ड फ्रॉम द ऑडिट सेक्शन विल बी लिंक्ड विद द ओरिजिनल ऑन रिकॉर्ड इन द अकाउंट सेक्शन। ठीक है, तो दोस्तों डुप्लीकेट कॉपी को क्या है, वो ओरिजिनल से वापस टैली कर लेगा कि हाँ यही मैंने दी थी, एंड द एडजस्टमेंट नोटेड इन द रजिस्टर। और दोस्तों जो इसका इनवर्ड सेटलमेंट जो रजिस्टर था इसके अंदर क्या है, उसको नोट कर लेगा। राइट, ए समरी ऑफ आउटस्टैंडिंग आइटम्स विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रजिस्टर। राइट, दोस्तों जो भी अनलिंक्ड होंगे, ठीक है, जो आउटस्टैंडिंग आइटम होंगे, ठीक है, उनके क्या है, ये समरी बना लेगा। दिस आउटस्टैंडिंग विल बी रिकनसाइल्ड विद द फिगर्स अपीयरिंग इन द प्रिंटेड कंपाइलेशन। ठीक है दोस्तों, इनकी मैनुअल जो क्या है, इसकी समरी बना के जो बाद में लास्ट में कंपाइलेशन आएगा उससे क्या है, इसको रिकनसाइल करा जाएगा। राइट, आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एच नंबर में क्या है, ऑन रिसिप्ट ऑफ द क्लियरेंस मेमो फ्रॉम द RBI CAS अकाउंट
अकाउंट सेक्शन विल लिंक दिस विद द एडवाइस रिसीव्ड फ्रॉम द कंसर्न्ड अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है, तो दोस्तों आरबीआई सीएस से जब क्लियरेंस मेमो आ जाएगा, ठीक है, ये दोस्तों मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है, कि आरबीआई सीएस का रोल भी इसके अंदर कहाँ से आ गया। ऑन रिसीप्ट ऑफ द क्लियरेंस मेमो फ्रॉम द आरबीआई सीएस अकाउंट सेक्शन विल लिंक दिस विद द एडवाइस रिसीव्ड फ्रॉम द कंसर्न्ड अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है, तो दोस्तों पीसीडीसीडी के पास जो एडवाइस आई थी, जो अकाउंट्स आए थे इन डिपार्टमेंट से, जब आरबीआई सीएस से क्लियरेंस मेमो आ जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको इस चीज़ से लिंक करेगा। ठीक है, अकाउंट सेक्शन विल लिंक दिस विद द एडवाइस रिसीव्ड फ्रॉम द कंसर्न्ड अकाउंट सेक्शन कंसर्न्ड अकाउंट्स ऑफिसर, राइट। एज सून एज अकाउंट्स ऑफ द मंथ आर क्लोज, जैसे ही दोस्तों अकाउंट्स क्लोज होंगे मंथ के, अकाउंट्स ऑफिसर्स ऑफ द रेलवे पोस्ट विल ऑल्सो सेंड टू द पी सी डी सी डी कंसर्न ए मंथली सेटलमेंट अकाउंट वर्किंग अप टू द टोटल नेट डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, मंथली भी क्या है दोस्तों, ये इनको भेजेंगे। जैसे दोस्तों बैंक क्या था, मंथली भी भेज रहा था, डेली भी भेज रहा था, ठीक है, तो ये प्रोसेस दोस्तों ये डिपार्टमेंट भी करते हैं, राइट। विच हैज़ बीन एडवाइज टू द आरबीआई ड्यूरिंग द मंथ, जो इन्होंने आरबीआई के लिए दोस्तों एडवाइस के लिए भेजा था, ठीक है, जो आरबीआई को दोस्तों एडवाइस दी थी कि ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है, वो सारी क्या है दोस्तों मंथली रूप से अकाउंट सेक्शन को भी मिलेगी। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ द मंथ आर क्लोज, अकाउंट्स ऑफिसर्स ऑफ द रेलवे पोस्ट विल ऑल्सो सेंड टू द पीसीडी कंसर्न ए मंथली सेटलमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना उनको डेबिट क्रेडिट करना है। अब दोस्तों इसको डायग्राम से अपने समझते हैं। रेलवे पोस्ट और एमईए से दोस्तों क्या है, हमारे जो डिफेंस अकाउंट्स जो हैं इनके सेटलमेंट अकाउंट क्या है, हम ऑपरेट करते हैं, रूल नंबर 19 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों रेलवे पोस्ट एमईए के जो ऑफिसेज जो हैं, उनके पे अकाउंट ऑफिसेज जो हैं, वो हमें वाउचर्स एडवाइस अकाउंट्स जो क्या हैं भेजते रहते हैं पीसीडीसीडी के अकाउंट सेक्शन को। पीसीडीसीडी दोस्तों क्या करता है, एक इनवार्ड सेटलमेंट अकाउंट रजिस्टर मेंटेन करता है। इसके अंदर क्या है, सारी जितनी एडवाइसेज आई हैं सबको क्या है नोट कर लेगा वो। ठीक है, जैसे एमआरओ रजिस्टर में नोट किया था, राइट। इसके बाद दोस्तों पीसीडीसीडी क्या है, इसका डुप्लीकेट बना के ऑडिट सेक्शन को भेज देगा। ऑडिट सेक्शन दोस्तों इसका पंचिंग मीडियम बनाएगा। पंचिंग मीडियम बना के दोस्तों क्या है, ये ईडीपी सेंटर को इसको भेज देगा, ठीक है, कंपाइलेशन के लिए, राइट। और दोस्तों ऑडिट सेक्शन जब पंचिंग मीडियम बनाएगा तो ये यूज़ करेगा रिजर्व बैंक सस्पेंस क्लासिफाइड। ठीक है, एक सस्पेंस हेड दोस्तों क्या है ऑपरेट करेगा, राइट। और दोस्तों ऑडिट सेक्शन ने जब पंचिंग मीडियम बना दिया और इसके जो शेड्यूल इसके पास आए थे डुप्लीकेट में, ये इसको वापस कर देगा। ठीक है, एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ, राइट। अब दोस्तों क्या है, पीसीडीसीडीए के अकाउंट सेक्शन के अंदर, इसके अंदर क्या ये चीज़ें लिखता रहता है, इनवार्ड सेटलमेंट अकाउंट रजिस्टर के अंदर, राइट। अब दोस्तों इन्होंने जब ये वाउचर्स एडवाइस अकाउंट्स इनको भेजे थे पीसीडीसीडीए को, तो दोस्तों ये आरबीसीएस में भी भेजते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका अकाउंट है यहाँ पे, क्योंकि इनके अकाउंट में दोस्तों क्या है, इनका भी अकाउंट यहाँ पे है आरबीसीएस पे, डिफेंस का भी अकाउंट यही है। ठीक है, तो दोस्तों इसके ऊपर अंदर भी तो इफेक्ट होगा उन अकाउंट्स पे, तो ये एडवाइस दोस्तों आरबीसीएस को भेजते हैं। तो यहाँ से दोस्तों जब क्लियरेंस मेमो आ जाता है, ये बोल देते हैं कि हाँ हमारे पास भी ऐसी ऐसी एडवाइस आई है और हम ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, तो तुम भी अपने अकाउंट्स क्या है अपडेट कर लो, राइट। तो दोस्तों यहाँ से क्लियरेंस मेमो जब आ जाएगा तो ये पीसीडीसीडीए क्या करेगा दोस्तों, लिंक करेगा क्लियरेंस मेमो को इस एडवाइस से। ठीक है, कि हाँ भैया सेम है या नहीं। ठीक है, अब दोस्तों क्या है, ये जो सस्पेंस इसने ऑपरेट किया था ऑडिट सेक्शन ने, ठीक है, इसको दोस्तों ये क्लियर करता रहेगा जैसे जैसे एडवाइस आती रहेगी, क्लियरेंस मेमो आता रहेगा। ठीक है, और दोस्तों क्लियर ये कैसे करेगा, रिजर्व बैंक डिपॉजिट डिफेंस में क्या है अमाउंट को कंपाइल करता रहेगा। ठीक है, ये तो दोस्तों रिजर्व बैंक सस्पेंस क्लासिफाइड था, यह है रिजर्व बैंक डिपॉजिट डिफेंस को। ठीक है, तो फाइनली ये कोड हेड ऑपरेट होगा, ठीक है, और चीज़ें दोस्तों सस्पेंस क्या है क्लियर होता चला जाएगा, राइट। तो ये दोस्तों प्रोसेस था जो हमारे सेटलमेंट अकाउंट के, जो इन डिपार्टमेंट के साथ जो सेटलमेंट अकाउंट है, राइट। तो कुल मिला के दोस्तों सेम सा ही प्रोसेस है सबका। ठीक है, वाउचर आएंगे, एडवाइस आएगी, आरबीसीएस नागपुर पे पास जाएगी, पीसीडीसीडीए के पास आएगी। ठीक है, तो इनसे दोस्तों प्रीवियस के एग्जामिनेशन के अंदर कोई सवाल पूछे नहीं गए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर नंबर 6 तक दोस्तों क्या मैक्सिमम सवाल क्या है हमारे प्रीवियस के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, और दोस्तों चैप्टर नंबर 6 के बाद जो 7वां है, ठीक है, इसके अंदर पूरा प्रोसेस बताया गया, डिफेंस परफॉर्मा जो भी एक एक मतलब स्टेप बताया गया है। आगे दोस्तों जैसे क्लास ऑफ वाउचर आएगा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट के अंदर जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों हम एकदम पूरा डिटेल में भी नहीं जाएंगे, ठीक है, और कुछ छोड़ेंगे भी नहीं, ताकि एग्जाम के पर्पज़ से जो भी चीज़ें हमें पढ़नी होगी वो हम सारी चीज़ें पढ़ सकें, राइट। आगे चलिए दोस्तों। अब दोस्तों अभी जो अपनों ने पढ़ा था वो था कि जो रेलवे पोस्ट और डिपार्टमेंट जो एमईए हैं उनके अंदर क्या है, जो ट्रांजैक्शंस ओरिजिनेट हो रही थी उनको फाइनली एडजस्टमेंट किसके होना था, डिफेंस के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों इनवार्ड सेटलमेंट अकाउंट रजिस्टर मेंटेन होना था। ठीक है, तो और वो जो प्रोसेस था वो उन्होंने पढ़ लिया। अब दोस्तों इसमें ट्रांजैक्शंस ओरिजिनेटिंग इन द डिफेंस बुक, इन लोगों के लिए दोस्तों क्या डिफेंस ने कुछ काम कर दिया, मान लो रेलवे के लिए, पोस्ट के लिए, फाइनली इनको एडजस्टमेंट दोस्तों किस में होना है, रेलवे पोस्ट और जो इन
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ सप्लाई मान लो इनके लिए, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों क्या है, हम आउटवार्ड सेटलमेंट अकाउंट रजिस्टर, ठीक है, आउटवार्ड सेटलमेंट होना है ना, उसमें क्या था दोस्तों इनवार्ड सेटलमेंट, राइट। इसके अंदर क्या हो गया, आउटवार्ड सेटलमेंट, इसके लिए भी दोस्तों क्या एक प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। वो बार बार चीज़ें क्या है दोस्तों रिपीट हुई है, ऐसा करेगा ऐसा करेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको कंसिडर नहीं किया। पढ़ना है तो दोस्तों आप किताब में जाके आप पढ़ सकते हो, राइट। अकाउंटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल इंटर गवर्नमेंटल ट्रांजेक्शंस, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हो गया था हमारा जो सेटलमेंट अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें थी, ठीक है। अब दोस्तों ये हुआ जो हमारा कैश बेसिस पे जो अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, जो इंटर गवर्नमेंटल इंटर डिपार्टमेंटल जो ट्रांजेक्शन्स है, रूल नंबर 19 के बी के अंदर दोस्तों दिया हुआ है कैश बेसिस की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों अपने पूरा इसका थ्योरी पोर्शन नहीं पढ़ेंगे, क्या क्या प्रोसेस है, मोटी बात आपको बता देता हूँ। जब ये पैराज आप पढ़ोगे तो इसके अंदर क्या है, आपको MRO और पेड चेक्स की बातें आएगी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों किसी भी प्रकार की MRO पेड चेक्स की बातें नहीं थी, ठीक है, इनमें सेटलमेंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों एडवाइसेस के अंदर बातें थी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक्चुअल में जो कैश अगर किसी का पैसा बढ़ रहा है तो MRO के जरिए जमा करवाएगा, ठीक है। किसी को पेमेंट चाहिए तो दोस्तों पेड चेक के जरिए होगी, तो वैसी वैसी बातें क्या है इन पैराज के अंदर दी गई है। तो देखिए दोस्तों, आउटवार्ड सेटलमेंट कब होगा, ट्रांजेक्शन्स अराइजिंग इन द बुक्स ऑफ द PCDCDA विच आर एडजस्टेबल इन द बुक्स ऑफ द AG स्टेट गवर्नमेंट, PAO मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर सेटल्ड ऑन कैश बेसिस, ठीक है। तो दोस्तों PCDCDA के अंदर क्या ट्रांजेक्शन्स अराइज हो रही है, इनको फाइनली दोस्तों किन की बुक्स में एडजस्टमेंट होना है, जो अकाउंटेंट जनरल है दोस्तों स्टेट का, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, अकाउंटेंट जनरल है दोस्तों स्टेट का, स्टेट गवर्नमेंट का, जो पे अकाउंट ऑफिस है मिनिस्ट्री के या कोई दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई अदर डिपार्टमेंट है उनके अंदर क्या है इनको सेटलमेंट होना है, राइट। तो ये क्या हुआ, आउटवार्ड सेटलमेंट कैश बेसिस पे, राइट। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों इनवार्ड सेटलमेंट, ठीक है। अगर उन लोगों से कोई भी ट्रांजेक्शन्स राइजिंग इन द बुक्स ऑफ द AG उनके डिपार्टमेंट के अंदर दोस्तों क्या है ट्रांजेक्शन्स ओरिजिनेट होंगी, फाइनली एडजस्ट दोस्तों किस में होगी, हमारे PCDCDA के अकाउंट्स में, ठीक है। तो इसको इनवार्ड बोलते हैं, सेम बातें हैं लेकिन दोस्तों कैश बेसिस पे थी, वहाँ पे क्या था एकदम सेटलमेंट अकाउंट था, राइट। ट्रांजेक्शन्स राइजिंग इन द बुक्स ऑफ द AG PAO मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एडजस्टेबल इन द बुक्स ऑफ द PCDCDA आर सेटल्ड ऑन द कैश बेसिस, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों MRO पेड चेक्स की बातें होगी कैश बेसिस के अंदर, सेटलमेंट के अंदर दोस्तों एडवाइसेस के अंदर बात थी, एडवाइस वो भेजते हैं सेटलमेंट के लिए एडजस्टमेंट के लिए, राइट। तो ये हुआ दोस्तों पैरा नंबर 124 तक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों पैरा नंबर 125 से लेकर 100 अपने डिस्कस करेंगे, और दोस्तों जो मेन बातें हैं हमारी हम उन्हीं पे ही क्या आगे ध्यान देंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, सिलेबस हमें पूरा करना है, राइट। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे रैप अप करता हूँ, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट दोस्तों जरूर से करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस।